अयन बिंदु और विषुव। अयन बिंदु अथवा सोल्स्टिस। सोल्स्टिस वो दिन है जब सूर्य आकाश में अपने सबसे उत्तर या दक्षिण वाले बिंदु पर पहुंच जाता है और दिशा बदलने से पहले रुका हुआ सा प्रतीत होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष में 6 महीने तक सूर्य उत्तरायण होता है और 6 महीने तक दक्षिणायन होता है, तो ये जो दिन है उत्तरायण या दक्षिणायन, उसे ही अयन बिंदु या सोलस्टिस कहा जाता है। तो जो पहला अयन बिंदु है, ग्रीष्म अयन बिंदु, इस दिन से दक्षिणायन की शुरुआत होती है। वर्तमान में ये प्रति वर्ष 21 जून के आसपास पड़ता है। इस दिन सूर्य भूमध्य रेखा से सबसे उत्तर में कल्क राशि में प्रवेश करता है। यह साल का सबसे लंबा दिन होता है। जो दूसरा अयन बिंदु है वो है शीतकालीन अयन बिंदु, यानी कि विंटर सोलस्टिस, जिसे भारत में हम उत्तरायण के नाम से जानते हैं। वर्तमान में प्रति वर्ष 21 दिसंबर को उत्तरायण पड़ता है। इस दिन सूर्य भूमध्य रेखा से सबसे दूर दक्षिण में ट्रॉपिकल मकर राशि में प्रवेश करता है। यह साल का सबसे छोटा दिन होता है। विषुव अथवा इक्विनॉक्स। विषुव या संपात वो दिन है जब सूर्य आकाशीय भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है और दिन और रात की अवधि बराबर होती है। साल में दो इक्विनॉक्स होते हैं। पहला है वसंत विषुव यानी कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स। वर्तमान में प्रति वर्ष 20 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स पड़ता है। इस दिन सूर्य ट्रॉपिकल मेष राशि में प्रवेश करता है। इसके लगभग 6 महीने बाद शरद विषुव यानी कि ऑटम इक्विनॉक्स होता है। वर्तमान में प्रति वर्ष 23 सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स मनाया जाता है। इस दिन सूर्य ट्रॉपिकल तुला राशि में प्रवेश करता है। आइए इस डायग्राम की मदद से हम इक्विनॉक्स और सोल्स्टिस के बारे में विस्तार से समझते हैं। ये हमारी धरती का डायग्राम है। केंद्र में आप देख सकते हैं कि ये हमारा इक्वेटर है। दक्षिण में ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। उत्तर में ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। और ये जो आप देख रहे हैं ये है इक्लिप्टिक यानी कि सूर्य का वर्ष भर का जो पथ है। सो तो आप देख सकते हैं कि करीब 6 महीने तक सूर्य उत्तर की ओर भ्रमण करता है, जिसे कि उत्तरायण कहते हैं, और 6 महीने तक ये दक्षिण की ओर बढ़ता है, जिसे कि दक्षिणायन कहते हैं। तो जिस दिन सूर्य अपने सबसे अधिक दक्षिण वाले बिंदु यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होता है, उस दिन विंटर सोल्स्टिस मनाया जाता है, जिसे कि हम मकर संक्रांति कहते हैं। यह साल का सबसे छोटा दिन होता है और इसके बाद से दिन की अवधि बढ़ने लगती है। बढ़ते बढ़ते एक वो दिन आता है जहाँ पर कि इक्लिप्टिक और इक्वेटर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। जब सूर्य यहाँ पर पहुँचता है तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है। इस दिन दिन और रात की अवधि बराबर हो जाती है। इसके बाद जब सूर्य आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे करके दिन की अवधि रात से ज़्यादा होने लगती है और गर्मी का आरंभ हो जाता है। इस तरह से जब सूर्य अपने सबसे अधिक उत्तर वाले बिंदु पर पहुंचता है यानी कि कर्क रेखा पर पहुंचता है, तो हमें समर सोल्स्टिस मिलता है। इस दिन के बाद से दक्षिणायन का आरंभ हो जाता है। सूर्य दक्षिण की ओर बढ़ता है और धीरे धीरे करके दिन की लंबाई कम होती है और रात की लंबाई बढ़ने लगती है। आगे बढ़ने पर जब सूर्य इस बिंदु पर पहुंचता है कि जहां पर दिन और रात की लंबाई फिर से बराबर होगी, तो हमें ऑटम इक्विनॉक्स मिलता है।
ये वही बिंदु है जहाँ पर कि इक्लिप्टिक और इक्वेटर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद जब सूर्य आगे बढ़ता है तो रात की लंबाई दिन से ज़्यादा हो जाती है और उससे बढ़ती ही चली जाती है। ये हमारे लिए ठंड का मौसम होता है और इस तरह से ये क्रम चलता ही रहता है। तो आप देख सकते हैं कि जो सॉलिस्टिस और इक्विनॉक्स हैं ये अल्टरनेट एक के बाद एक आते रहते हैं। वर्ष के जो ये चार दिन हैं ये बेहद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये हमारे चार मौसम विंटर, स्प्रिंग, समर और ऑटम को डिफाइन करते हैं। इसीलिए इन्हें सूर्य के पथ में चार महत्वपूर्ण बिंदुओं के रूप में जाना जाता है। आशा करते हैं कि अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं। वृषभ अयन, वृषभ अयन यानी कि प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्स। जो वृषभ बिंदु है यह स्थिर नहीं है। वृषभ पश्चिम की ओर 50 सेकंड की चाप वार्षिक रूप से तारों के सापेक्ष क्रांति वृत्त के साथ चलती है। इसे ही वृषभ का अयन कहा जाता है। इस दर पर प्रिसिशन पॉइंट को प्रारंभिक स्थिति में वापस आने में करीब 26,000 वर्ष लग जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वृषभ के अयन को सबसे पहले ग्रीक हिपार्कस ने 129 ईसा पूर्व में नोट किया था, परंतु विश्व भर में ऐसी कई प्राचीन वेधशालाएँ हैं जैसे कि स्टेपी जियोग्लिफ, नॉक्टाप्लाया, न्यूग्रेंज, स्टोनहेंज, कार्नेक, किचनेर्जा, एंकोरवाट, माचू पिचू इत्यादि, जिससे कि यह पता चलता है कि विश्व भर की प्राचीन सभ्यताओं को भी प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्स का ज्ञान अवश्य रहा होगा। अयनांश, प्राचीन हिंदू न केवल वृषभ के अयन के बारे में जानते थे बल्कि उन्होंने एक गणितीय सुधार तंत्र भी विकसित किया था। हिंदुओं के प्राचीन सूर्य सिद्धांत के अनुसार अयन भाग या अयनांश, जिसे कि साइडेरियल इपोक भी कहते हैं, का उपयोग करके वृषभ के अयन को सुधारा जा सकता है। ग्रहों के सायन देशांतर में से अयनांश को घटाने से हमें ग्रहों का निरायन देशांतर प्राप्त हो जाता है। अयनांश निरायन राशि और सायन राशि के बीच के अंतर को ठीक करती है। निरायन राशि और सायन राशि क्या है ये हम अगले ही सेक्शन में बात करने वाले हैं। हम सलाह देते हैं कि आप लहरी अयनांश का उपयोग करें। आजकल अयनांश का मान लगभग 24 अंश हो गया है। इसका अर्थ है कि ग्रहों का जो निरायन लॉन्गिट्यूड है वो ग्रहों के आयन लॉन्गिट्यूड से करीब 24 डिग्री पीछे रहेगा। अगर आप एक कुंडली को निरायन राशि और सायन राशि के अनुसार बनाएंगे तो उन दोनों में सभी ग्रहों और लग्न की स्थिति में करीब 24 डिग्री का अंतर आ जाएगा। यही कारण है कि भारतीय कुंडली तथा पश्चिम में बनाई जाने वाली कुंडली में आपको अंतर देखने को मिल सकता है। सायन और निरायन राशि चक्र, सायन का शाब्दिक अर्थ है अयन के साथ जबकि निरायन का अर्थ है अयन के बिना। पहले बात कर चुके हैं कि अयन यहाँ पे प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्स के बारे में बता रहा है। पश्चिमी ज्योतिष सायन यानी कि मूविंग या ट्रॉपिकल राशि चक्र का उपयोग करते हैं जबकि हिंदू वैदिक ज्योतिष निरायन यानी कि फिक्स्ड या साइडेरियल राशि चक्र पर निर्भर करती है। वैदिक हिंदू ज्योतिष नक्षत्रों में निहित है जो आकाश की निश्चित पृष्ठभूमि है। साइडेरियल ज्योतिष
नक्षत्रों पर आधारित है। वैदिक ज्योतिष की लंबी और अखंड परंपरा में अतीत में निरायण लॉन्गिट्यूड्स के साथ अच्छा काम किया है और अब भी कर रहा है। नारायण राशि का इस्तेमाल करें या निरायण राशि का, ये चुनने के लिए आप परीक्षण और प्रयोग कर सकते हैं, परंतु वैदिक ज्योतिष में हम निरायण राशि चक्र का ही उपयोग करते आ रहे हैं। भू केंद्रीय और सूर्य केंद्रित मॉडल। प्राचीन काल में माना जाता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है तथा सूर्य और अन्य ग्रह व तारे पृथ्वी की चारों ओर घूमते हैं। इसे ब्रह्मांड का भू केंद्रीय मॉडल कहा जाता है। पर जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति की और पृथ्वी के रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में हमें ज्ञान हुआ, तो यह प्रस्तावित किया जाने लगा कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है तथा पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इसे ब्रह्मांड का सूर्य केंद्रित मॉडल यानी कि हीलियोसेंट्रिक मॉडल कहा जाता है। प्राचीन समय में भी आर्यभट्ट, एरिस्टार्कस ऑफ सैमोस तथा अन्य कई लोगों ने इस विचार को बल दिया। 16वीं शताब्दी तक कोपरनिकस, गैलीलियो जैसे वैज्ञानिकों के कारण तथा टेलीस्कोप के आविष्कार के कारण इस बात को पुष्ट किया जा सका और तभी इस बात की व्यापक रूप से स्वीकारिता हो पाई। यहाँ आप देख सकते हैं कि हीलियोसेंट्रिक मॉडल और जियोसेंट्रिक मॉडल में क्या अंतर है। तो हमें वैदिक ज्योतिष के लिए किस मॉडल का उपयोग करना चाहिए, भू केंद्रित या सूर्य केंद्रित? तो पिछले कुछ शताब्दियों में सूर्य केंद्रित मॉडल भू केंद्रीय मॉडल पर काफ़ी हावी हो गया था, परंतु 21वीं सदी में जैसे विज्ञान ने और भी अधिक तरक्की की और हमने जाना कि ब्रह्मांड कितना विशाल है, तो अब हमें सोचने की आवश्यकता पड़ रही है कि शायद हमारे पूर्वज हमारी समझ से अधिक चतुर थे। तथ्य यह है कि सूर्य सौर मंडल का तो केंद्र है, परंतु यह ना तो ब्रह्मांड का केंद्र है और न ही स्थिर है। हमारा सोलर सिस्टम, हमारे गैलेक्सी में एक सामान्य सा सोलर सिस्टम है और जो हमारी आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे आकाशगंगा है, ऐसे अरबों आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में हैं। पर हम क्योंकि पृथ्वी पर रहते हैं और यहीं से ब्रह्मांड का अवलोकन करते हैं, ब्रह्मांड की विशालता के सामने पृथ्वी धूल के कण के समान है। पृथ्वी से देखने पर ब्रह्मांड सभी दिशाओं में अनंत दूरी तक फैला हुआ है। तो इस प्रकार यदि हम विचार करें तो हम पृथ्वी को ओरिजिन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो जहाँ तक ज्योतिष का संबंध है, हमेशा की तरह हम भू केंद्रीय मॉडल का ही उपयोग करते रहेंगे।